तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो गाइस फिर से आ चुका हूँ एक नया सोलो एफपीपी का गेम प्ले लेकर। तो आज गाइस थोड़ा सा लेट हो गया था गेम प्ले लेकर आने। मैं अभी क्राउन वन आज करने वाला हूँ, देखते कितना। 33 30 पॉइंट चाहिए कुछ, तो 30 के आसपास ही चाहिए क्राउन वन के लिए। और गाइस माउंटेज कैसा था बताओ। और ये गाइस ये गेम में कोई किल पाल नहीं है, मतलब मेरे जो भी मतलब सब्सक्राइबर हैं सब बोलते हैं भाई क्राउन पे आ गए भाई, टॉप 10 हो रहा ही नहीं, टॉप 10 हो रहा ही नहीं। तो और बोलते किल होता नहीं है तो भी टॉप 10 निकालना भाई। तो ये देखो, ये पहले देखो ये बॉट था, ये बॉट। और ये रात की लॉबी थी, इंडो लॉबी थी गाइस, मतलब 1 बजे के आसपास की लॉबी थी। तो मतलब आप मतलब निकाल सकते तो ऐसे खेलो, ये टाइम पे बॉट मिल जाते हैं रात को। देखो मैं ऐसे फटाफट मार के ऐसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को तो पता है ना क्यों हर जगह बंदे रहते हैं, इसलिए अपन मार के फटाफट निकल जाते। तो गाइस मतलब मेरे जो भी सब्सक्राइबर है दोस्त लोग हैं सब बोल रहे टॉप 10 हो रहा ही नहीं। तो भाई क्या करो, अभी ये गेम प्ले देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये गेम में मैं जब खेल रहा था, मेरा एक दोस्त था मिस्टर डेथ करके ऐसा कोई तो नाम का था, तो वो बोलता है भाई टॉप 10 हो रहा ही नहीं है, कैसा निकालू। तो मैं उसको बोला ये मैच के बाद बोलता हूँ। फिर ये मैच में देखो मेरे सिर्फ 2 किल थे, और मैं मतलब सिर्फ बॉट के किल थे, ठीक है। और ये इस गेम में मैं मतलब क्या ही सर्वाइव करता हूँ, मतलब टॉप 3 एकदम इजी निकाल लेता हूँ। आप भी ऐसा सर्वाइव कर सकते हो गाइस, ठीक है। आप भी पूरा वीडियो देखो, तो मैं पूरा ये सब मतलब ये घर पीछे के घर वो बानर्स वगैरह सब लूट लेता हूँ। फिर अभी जोन आ गया था, अब जोन क्लोज इन होने वाला था, 4th जोन टच होने वाला, इसलिए मैं अभी रोटेशन देता हूँ। तो गाइस मतलब ये वीडियो देखोगे और समझो आपको टॉप 10 निकालना रहेगा ना, या ऐसे जोन में ईजी निकाल दो, जोन में क्या ऐसे लॉबी में निकल। और इंडियन लॉबी में गाइस मतलब ठीक ठाक प्लस मिल जाता है, जितना भी कभी कभी इंडियन लॉबी में भी नहीं मिलता है उतना खासा अच्छा खासा प्लस मिल जाता है। तो आज मैं पूरा ट्राई करूँगा क्राउन 1 लगा देने का, ठीक है। तो आज क्राउन 1 लगा देंगे, और नेक्स्ट वीक के एक दो दिन में एस लगा देंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीक में, तो अपना कॉन्कर हो जाएगा गाइस, नेक्स्ट वीक में कर देंगे कैसे भी करके। तो देखो अभी यहाँ पर मैं पूरा हील वाल लगाते रहता हूँ। फिर 4th जोन का मतलब 5th जोन अभी स्टार्ट रहने का 30 सेकंड रहता है कुछ, तो तभी मैं हील मारता हूँ। फिर अभी अपन निकलेंगे, मैं एक मार्क लगा देता हूँ शैक के इधर, क्योंकि वो जोन के बाहर था, मेरे को जोन के बाहर हील लगाने रुकना था। मतलब मैं हमेशा हील लगाने मतलब कभी कभी मतलब जो रात का लॉबी रहता है उसमें, मतलब आपके लॉबी गाय समझो आपके किल हो गए 1 या 2 किल, और आपको प्लस निकालना ही है कुछ भी करके, तो आप मतलब आपसे 1-2 किल हो गए, और मतलब अभी आप जोन में कोई प्लेस नहीं मिले, उससे अच्छा जोन के बाहर अंदर जाने से अच्छा जोन के बाहर कौन सा कंपाउंड या शेक होल्ड कर लो 4th जोन के बाद, मतलब जो 5th जोन रहता है डेथ जोन, वो इतना भी ज़्यादा गलत वाला डैमेज नहीं देता है। तो उधर रुक के आप इजीली बैंडेजेस मार सकते हो, मेरे पास 18 बैंडेजेस था, और मैं 1-2 फर्स्ट एड भी लगा लेता हूँ, तो वहाँ से मैं ईजी टॉप 10 भी निकाल लेता हूँ। देखना अभी देखो मैं रोटेशन दे रहा था, ये देखो अभी मैं जोन के अंदर, और यहाँ पर अभी टॉप 30 है, ठीक है। और जैसे मैं उधर रुकता ना भाई क्या ही भसड़ होती है, मतलब मैं रुकना 1-2 मिनट में बूमबाम हो जाता है सब। देखो अभी अभी से जो फायर होएगा ना, देखना अभी क्या ही फायर वगैरह होते भाई। अभी देखो मैं अभी जोन में जाके ये शेक में होल्ड कर लेता, मेरे को लगा यहाँ पर बंदा था इसलिए मैं रुक जाता हूँ। यहाँ पर मैं रुक के फुल हील विल करता हूँ, अब देखो और भी क्या ही फायर वगैरह होएगा, ठीक है। देखो अभी तो अभी मतलब जोन के जाने के अंदर टाइम हो गया था, तो जोन के अंदर मैं जाता हूँ। देखो कैसे जब तक टॉप 10 ना होए ना गाइस तब तक घुमाते रहो गाड़ी हो सके तो, और पोजीशन मिल जाए तो उधर ही रुक जाओ। मैं इधर ही इधर आसपास रुकने वाला था, मतलब यहाँ पर जोन नहीं था हल्का सा, और मैं इधर ये पत्थर पर रुकता हूँ। देखो मैं पहले जोन के आसपास पहले 1-2 बार गाड़ी घुमाता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था। देखो ये बंदे को गाड़ी कुचलने का ट्राई किया भाई, हुआ ही नहीं। देखो अभी भी 11 बंदे आ गए, ये बंदा मेरे पे फायर लेता है, मैं बच जाता हूँ कैसे कैसे करके। तो गाइस ऐसे भी मतलब
मतलब जब किल भी ना हो ना आपके, तभी भी आप ऐसे बच सकते हैं। और ये देखो टॉप 10 मेरा इजी हो गया यहाँ पर। अभी मेरे को अच्छी पोजीशन लानी है देखो, इसलिए मेरे को अभी क्लास भी अच्छा मिल सकता है। देखो मेरा HP एक बंदे ने क्या ही लो कर दिया भाई। तो ये देखो हर तरफ गाड़ी गाड़ी, हर तरफ गाड़ी गाड़ी। ये देखो यहाँ से भी सामने से और ठुक जाते हैं, मेरे को लगा यार तो फाइट हो जाएगी, लेकिन नहीं होती है क्योंकि अपन प्रो लेवल है भाई। तो देखो यहाँ से मैं क्या ही मतलब यहाँ पे पत्थर पे गाड़ी लगा देता हूँ और फटाफट आ जाता हूँ इस साइड। उधर साइड एक बंदा था, मतलब बग्गी मेरे बाजू आजू से लेके जा रहा था भाई, मेरी फट रही थी ना भाई। देखना अभी यहाँ से बाजू से बग्गी जाती है भाई मेरे, मेरा इतना तभी ध्यान नहीं जाता है। और गैस थोड़ा बॉयज और यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो रहा रहेगा, क्योंकि मतलब ये थोड़ा स्पीड में किया है ना मैंने। कोई बग्गी वाले को इतना स्प्रे लिया, यहाँ पर एक बग्गी वाला आ जाता है, इसको स्प्रे लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई मेरे हाथ इतने फिसल रहते ना रात को, मैं क्या पता बहुत हाथ में पसीना आ चुका था। देखो क्या ही स्प्रे हगाओ भाई, क्या ही मतलब गलत ही भाई। और लास्ट जोन में मतलब मैं टॉप 3 कैसे निकाला हूँ देखो गाइस। तो ये गेम में मतलब नहीं है, तो ये गेम पे आप लोग का कुछ तो 3-3:30 बजे तक मिल जाएगा। देखो पीछे अभी एक बंदे को मैं इतना डैमेज देता हूँ ना, अभी देखना ठीक है। अभी मैं वॉइस ओवर नहीं कर रहा, अभी मैं देखो कैसा निकलता हूँ। गाइस देखो वो भाई बंदे को इतना डैमेज दिया मैंने, कुछ फायदा नहीं हुआ, वो बंदा साला जोन से मर जाता है, एक गोली का ही सवाल था। देखो मैं इतना स्पीड कर देता हूँ क्योंकि मैं इधर कुछ नहीं होता है, सब बंदे दोनों के दोनों मतलब तीनों के तीनों हम लोग कैंप पे कर रहे थे, रुके थे कि कोई बंदा कोई किसको मारे, लेकिन कोई फाइट नहीं होती। और देखना गाइस मेरा लास्ट में क्या ही फोन मतलब मेरे हाथ के पसीने की वजह से क्या ही सीन शॉट होता है। देखो अभी हर तरफ स्मोक वगैरह हो गया था और इस साइड में राइट में BRDM थी और वो बंदे को मैं मार नहीं पाता। उधर गाइस देखो भाई गलत ही सुन होता है देखो अभी। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही गाइस, कल मिलते हैं, गेम पीस आउट गाइस। मेरा ये गेम में 13+ हो गया था, अच्छा खासा लॉबी था, अभी मेरा 33 पॉइंट्स है मेरे को क्राउन वन के लिए, आज कर लेंगे। तो बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं।